को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं जयंत पटनायक, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कहरवा और कहरवा के कुछ प्रकार और कहरवा को अलग अलग टेम्पो पे तेज़, कम और मध्यम लय में अलग अलग बोलों के साथ कैसे बजाया जाता है। आइए देखते हैं। ये कहरवा ताल 8 मात्रा की ताल है, सभी जानते हैं, और सबसे बेसिक ताल है और वेस्टर्न म्यूजिक में 4x4 पे भी इसको गिना जाता है। तो आइए पहला प्रकार देखते हैं, स्लो टेम्पो। वाह, इसके बोल हैं धा धा के ट तिन तिन ता तिट धिन धिन धा धा के ट तिन तिन ता के ट धिन धिन। कई लोगों के बोलों में डिफरेंस भी हो सकता है कि कई इसको किसी और तरीके से बजाते हैं। ये मेरा तरीका है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो मैंने अपने गुरुजी से सीखा है। मैं चाहता हूँ कि मैं वही चीज़ आपको बताऊँ। तो ये बोल हैं, इनको कैसे बजाना है। धा बोल सबको पता है, धा धा, ठीक है। तो तिट का बोल सबको पता है, अंदर बजता है। धा तिट तिट कुछ भी बजा सकते हैं, तो वो किट या तिट दो बोल रहेंगे, ठीक है। तो धा किट तिन 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 का बोल अंदर बजता है। तो लाइट म्यूजिक में क्या होता है कि हम क बोल को भी राइट के साथ यूज करते हैं, तो उससे एक अलग ही क्रिस्पीनेस, एक करारापन आता है, तो सुनने वाले को वो अच्छा लगता है। माइक्स में, रिकॉर्डिंग्स में वो बहुत काम आती है चीज़। तो मैं उसके साथ, तिन के साथ हमेशा क बजाता हूँ। तो बोल है अब ये बोल तिट है, तिट को हम ट्रक भी बजा सकते हैं, यहाँ सिर्फ उसको खूबसूरत बनाना है वो बोल को। इसमें डग्गे का भी आप अंग दिखा सकते हैं कि डग्गा जरूरी नहीं है कि हाथ रख के ही सिर्फ बजाते रहें, उसको हिलाएं, उसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं डग्गा भरना। तो पूरा भर के बेस गमक सुने, अगर माइक में भी आप बजा रहे हैं तो उसकी गूंज सबको सुनाई दे। तो बोल बनेगा पहला प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं, टेम्पो और बढ़ती है तो बोल भी बदल जाते हैं। तो आइए देखते हैं कहरवा का दूसरा प्रकार। बोल हैं धिग धा धा धिग धा धा धिग धा धा तिक ता ता धिग धा धा धिग धा धा धिग धा धा तिक ता ता। इसमें पहले तीनों भरे रहेंगे और लास्ट वाला जो एक पल्ला है वो खाली रहेगा। तो आइए इसको बजाने का ढंग देखते हैं। तो इसमें जो हमारा राइट हैंड है वो एक ही प्रकार से चलता जाएगा। ta 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 ta
ये आपको वीडियो को सुन सुन के याद करना पड़ेगा कि वेट है वो अपने ढंग से इसको बनाइए, क्योंकि हर एक बंदे के हाथ में एक अलग वेट होता है, हर एक बंदे को का बजाने का ढंग एक अलग होता है। तो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा एक आइडिया हो सकता है, बट उसको अपने ढंग से बजाइए, अपने ढंग से याद कीजिए, क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट हैंड एक ही तरह से बिहेव करता है पूरे पूरे बोल में। दूसरा बोल है, इसमें वेट सबसे पहले बोल पे बाहर आता है। तो इसमें भी राइट हैंड एक ही प्रकार से बिहेव करता है। तो बोल है बजने में ये ता तिन का बोल है, बट जब बोलते हैं तो धागना गधा तो ऐसा बोल बन जाता है, तो वो सुनने में अच्छा लगता है। तो बोल है मध्यम लय वाले बोल, तो ज्यादातर इन्हीं बोलों पे मध्यम लय चलती है। तो अब देखते हैं अगला बोल है द्रुत लय। तो कहरवा एकदम तेज लय में किन बोलों के साथ बजाया जाता है, तो आइए देखते हैं। बोल है धिक धिता कधिता। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बजाना है। 1 2 3 इसको बजाते बजाते आप जितना चाहे उतना तेज कर सकते हैं। ये एक बहुत ज्यादा वाला टेम्पो कवर करता है, एक स्लो से लेके एक बहुत हाई टेम्पो ये वाला बोल कवर करता है कहरवा में। और हाँ, अगर टेम्पो आपका उस एरिया से भी ज्यादा तेज है, मतलब एक बहुत ही फास्ट टेम्पो है, तो उसके लिए एक अलग कहरवा है जिसको हम दुगुन बोलते हैं। तो अगर एकदम तेज टेम्पो है तो उसमें कहरवा के क्या बोल बजेंगे, आइए देखते हैं। ये वाला कहरवे का एकदम तेज डबल लय में दुगुन में बजता है, एकदम हाई टेम्पो पे बजता है। इसके बोल हैं धा ता ती गिन्ना धा। तो इस वाले बोल में डग्गे के सिर्फ दो ही बोल हैं, धा ता ती गिन्ना धा। 1 2 3 4 धा ता ती गिन्ना धा।
फिंगर से ही बजेगा ना धा धा की, यही बोल है ता 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 ती किन्ना ता 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 ती किन्ना ता 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 ती किन्ना ता 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 धा ता ता ती किन्ना 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 धा। इन्हीं बोलों को आप हाथ पे बिठाइए और जितना रियाज हो और इसको तेज टेम्पो पे बजाने की कोशिश कीजिए तो ये दुगुन वाला आपको बोल सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं कि हम अप्लाई कैसे करेंगे, एक फास्ट टेम्पो में कैसे बजाएंगे। स्लो से मैं स्टार्ट करूंगा और फास्ट की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है।